नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, मैं हर रोज आपको खास चमत्कारी रहस्यमय मंदिर के बारे में बताती हूँ, लेकिन कभी भी मंदिरों की अजब गजब प्रसाद के बारे में नहीं बताई हूँ। ऐसे ही दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के 10 ऐसे खास मंदिर के बारे में जहाँ अजब गजब प्रसाद वितरित की जाती है। दोस्तों, मंदिरों में सामान्य तौर पर नारियल, मिश्री, मखाने और चने और मिठाई प्रसाद के रूप में दी जाती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां अलग तरीके का प्रसाद वितरित की जाती है। और दोस्तों, कुछ मंदिरों में ऐसे भी प्रसाद दिए जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं क्या है इस मंदिर की खास रहस्यमय जानकारी। सबसे पहला है राजस्थान के बीकानेर में स्थित चूहो वाला मंदिर, जिसे करणी माता का मंदिर कहते हैं। चूहो वाली माता के नाम से यह मंदिर जाना जाता है और इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ चूहों का ज्यादा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। यहाँ पर रहने वाले चूहे माता की संतान माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगला है महादेव मंदिर, जो कि त्रिशूर में है। केरल में त्रिशूर महादेव मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को खाने की सामग्री की बजाय सीडी, डीवीडी, नोट्स, बुक्स इत्यादि दी जाती है। जी हाँ, मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि ज्ञान के प्रचार और प्रसार से बढ़कर अन्य कोई प्रसाद नहीं हो सकता, इसीलिए मंदिर में पुस्तकें दी जाती है। अगला है पूरा जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर से आरंभ होने वाली रथ यात्रा विश्व भर में लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान को प्रसाद के रूप में 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और उसके बाद जिन भक्तों को इस प्रसाद को ग्रहण करना हो तो उन्हें आनंद भवन के स्टॉल से उसे खरीद लेते हैं। है ना दोस्तों, इंटरेस्टिंग प्रसाद। वहीं दोस्तों, अगला है कामाख्या देवी मंदिर। हर वर्ष गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और मेले के दौरान 3 दिन के लिए मां के दर्शन आम भक्तों के लिए बंद किए जाते हैं और 4th दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का तांता मां के दर्शन के लिए आता है। प्रसाद के रूप में प्रति एक भक्त को एक गीला कपड़ा प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये गीला कपड़ा मां के रज से भीगा हुआ होता है। कामाख्या देवी की संपूर्ण कहानी हम पहले ही बता चुके हैं। अगला है केरल के बाल सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर। जी हाँ, केरल के एलेप्पी में बना हुआ है बाल सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। दोस्तों, बालमृगन भगवान को चॉकलेट बहुत प्रिय है, इसीलिए यहाँ भगवान को प्रसाद के रूप में चॉकलेट अर्पित की जाती है और फिर बाद में वही चॉकलेट लोगों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। अगला है चाइनीज काली माता का मंदिर, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता के टांगरा में बने चाइनीज काली मंदिर में भक्त को नूडल्स खाने को मिलते हैं। जी हाँ, वैसे तो आप आसपास के मोमोज या फिर नूडल शॉप में जाते होंगे, लेकिन वहाँ यानी कि चाइनीज काली मंदिर में भक्त माता को चाइनीज नूडल्स चढ़ाते हैं। अगला है आलागार टेंपल, यानी कि आलागार मंदिर, जो कि मधुराई में है। कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। तमिलनाडु के मधुराई में बने भगवान विष्णु के आलागार मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को डोसा दिया जाता है। तो अगर आप भी भगवान विष्णु के पूजनीय हैं और उनका पूजा करते हैं और डोसा को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं, तो इस मंदिर में जरूर जाइएगा। अगला है धन दायित्व पानी स्वामी मंदिर, जो कि पलानी में है। तमिलनाडु के पलानी में स्थित भगवान मुरुगन के प्रसाद के रूप में 5 फल गुड़ और शुगर कैंडी को मिलाकर जेम्स जैसी खाद्य सामग्रियां प्रसाद के रूप में दी जाती हैं। इसी श्रेणी में अगला है अंबाला पूजा श्री कृष्ण मंदिर।
केरल के तिरुवंतपुरम के समीप ही बने अमाब बल पूजा में भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रसाद के तौर पर दूध चीनी और चावल से निर्मित पायसम मिलता है। वही आखिरी खास मंदिर है खबीज बाबा मंदिर, जो सीतापुर में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित खबीज बाबा मंदिर में शराब का प्रसाद अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में वही शराब भक्तों में वितरित की जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने कभी भी ऐसे प्रसाद के बारे में नहीं सुना होगा। अगर आपने भी किसी मंदिर का ऐसे प्रसाद खाया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।